हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, हमारी जो सब्जेक्ट है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जिसकी लास्ट क्लास में हमने बात की थी अबाउट दी जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, आज हम बात करेंगे अबाउट दी सेल स्ट्रक्चर। क्योंकि मैंने आपको बात बताया था कि जो सेल होते हैं इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इसमें सेल मेम्ब्रेन आती है, फिर उसमें साइटोप्लाज्म होता है और उसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन, मैंने जब फर्स्ट वीडियो बताया था उसमें बताया था कि जो सेल है इसकी जो आउटर प्रोटेक्टिव शीट होती है जो कि सेलेक्टिवली सेमी परमेबल होती है, इसको कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। इसी सेल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर होता है न्यूक्लियस एंड इसमें एक फ्लूइड बना होता है, दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। और इसमें होते हैं अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वाली होती है जो आरआर और एसआर, ये मैंने आपको बता दी थी। आज हम पढ़ रहे अबाउट दिस लेयर जो कि है सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है इट इज ए प्रोटेक्टिव शीट डेट एनवलप द सेल बॉडी। जो भी सेल की बॉडी है मतलब इसके अंदर जितने भी सब्सटेंस है साइटोप्लाज्म है, इन सभी को बांध के रखती है, यानी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, एक सीट होती है। और इट सेपरेट्स द ईसीएफ एंड आईसीएफ। तो व्हाट इज दिस ईसीएफ एंड आईसीएफ? ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड आईसीएफ मतलब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो सेल के अंदर की तरफ है इसे हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। और एक और सेल हो गई है, एक और सेल है इसके अंदर जो फ्लूइड है दिस इज द आईसीएफ, लेकिन इस सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को आपस में सेपरेट जो करती है दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। और इसके बारे में है कि इट इज सेमी परमिएबल। ये सेमी परमिएबल यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है जिसमें कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस तो पास हो जाते हैं और कुछ जो सब्सटेंस वो पास नहीं हो पाते हैं। एंड अलाउज द फ्री एक्सेस ऑफ द सर्टेन, यानी कुछ सब्सटेंस जिनके बारे में आगे बात करेंगे वो तो इसके अंदर से पास हो सकते हैं और कुछ होते हैं कि जो इसमें से पास नहीं हो सकते हैं। तो इट अलाउज द फ्री एक्सचेंज ऑफ द सर्टेन सब्सटेंस कहां से कहां तक, बिटवीन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड द इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इससे कुछ सर्टेन यानी सेलेक्टिव सब्सटेंस होती है अंदर, अपने अंदर परमिएबल होती है इसलिए परमिट करती है, और कुछ होते हैं जिन्हें परमिट नहीं करती है। अब जो हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं इसके हम पढ़ेंगे कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है कि सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है, किन किन कंपोजिशन से ये सेल मेम्ब्रेन बनती है। तो देयर आर मेनली थ्री पार्ट्स या थ्री कंपोजिशन होती है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। फर्स्ट वन इज द प्रोटीन जो कि 55% होती है इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर। मैंने आपको बताया कि एक सेमी परमेबल लेयर है, तो हम इस डायग्राम में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्रोटीन होती है, पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि जो प्रोटीन होती है ये 55% होती है। और दो टाइप की प्रोटीन होती है, इंटीग्रल प्रोटीन, एक होती है पेरिफेरल प्रोटीन। जो डियर इंटीग्रल प्रोटीन होती है, इंटीग्रल एज द नेम इंडिकेटिंग इटसेल्फ, इंटीग्रल का मतलब जो प्रोटीन अंदर की तरफ प्रेजेंट हो उसे बोलेंगे इंटीग्रल। एक होती है पेरिफेरल प्रोटीन यानी पेरिफेरल। जब मैंने आपको जर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था हमने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया पेरिफेरल मतलब बाहर की तरफ, और तो कुछ प्रोटीन होती है जो बाहर की तरफ होती है हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। इसके बाद में आते हैं लिपिड्स जो कि अराउंड 40% प्रेजेंट होते हैं। लिपिड्स में दो तरह के होते हैं, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। इसके बाद में है कार्बोहाइड्रेट जिसे मैंने CHO शॉर्टकट में डिनोट किया है जो कि होता है अराउंड 5%, जिसमें भी दो तरह के होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। जो ये सेल स्ट्रक्चर है इसे समझने के लिए कुछ मॉडल भी आए जिसमें आपने सुना होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि सिंगर एंड निकोलसन साहब ने दिया था, इन्होंने प्रपोज किया था। और इन्होंने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये फॉस्फोलिपिड होता है, इसकी बाई लेयर होती है।
जिसमें जो प्रोटीन होती है वो तैरती रहती है, जो सब्सटेंस है लाइक प्रोटीन है ये है, ये फ्रीली मूव करते हैं, इसके अंदर जो फ्लूड होता है उसके अंदर फ्रीली मूव करते हैं। और जो प्रोटीन है वो दो तरह की है, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। जो ये प्रोटीन है ये जो सेल की स्ट्रक्चर है लाइक एज ए सी यानी समुद्र की तरह होती है, और समुद्र में जैसे आइसबर्ग होते हैं यानी जो बर्फ के बड़े बड़े आइसबर्ग होते हैं उनकी तरह ये प्रोटीन होती है, जो सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं और ये फ्रीली मूव करते रहते हैं, इस मॉडल में उन्होंने बताया। और इस स्ट्रक्चर से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लिपिड के बारे में कि जो लिपिड है देयर आर टू टाइप ऑफ लिपिड, एक होता है फॉस्फोलिपिड एक होता है कोलेस्ट्रॉल। तो जो सेल की लेयर है ये इसकी बायलेयर में आते हैं फॉस्फोलिपिड। तो ये जो फॉस्फोलिपिड है इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है हेड पिन यानी ऑल पिन जैसी स्ट्रक्चर होती है जो मैंने यहां पे बना रखी है, और ये एक दूसरे से अटैच्ड होती है। तो बेटा जो ऊपर का जो है हेड पोर्शन जो है इसका इसमें बताया कि ये होता है हाइड्रोफिलिक, और जो टेल पोर्शन होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक। जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है ये जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी बाहर की तरफ होता है, और जो हाइड्रोफोबिक होता है जो कि अंदर की तरफ होते हैं यानी टुवर्ड दी साइटोप्लाज्म, ये इन्होंने बताया। इसके बाद में बताया कि हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो का मतलब वाटर, फिलिक का मतलब लविंग यानी ये जो है वाटर सोल्यूबल होता है, और जो हाइड्रोफोबिक, फोबिक का मतलब होता है डर यानी जिसे पानी से डर लगता है यानी ये वाटर इनसोल्यूबल पार्ट होता है। तो जो फॉस्फोलिपिड लेयर है ये जो है बाइलेयर होती है, और इसके अंदर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसमें दो तरह की प्रोटीन है, फर्स्ट वन इज द इंटीग्रल प्रोटीन, सेकंड वन इज द पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन मैंने आपको पहले बताया जो अंदर की तरफ होती है, तो जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, और कुछ बाहर की तरफ यानी जो ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है इसका जो हेड वाला पार्ट है यहाँ पे जो है कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिन्हें बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। एक प्रोटीन और होती है, ये होती है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन यानी जो ऊपर वाली लेयर है और जो बॉटम वाली लेयर है इसके दोनों जो हेड वाले पार्ट है इनसे अटैच होकर एक बड़ी प्रोटीन होती है ये प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसके बाद में आता है, हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा, ये प्रोटीन का क्या काम है, प्रोटीन इन्हें आपस में बांध के रखती है और एक ट्रांसपोर्ट मीडियम का काम करती है, ये जो इंफॉर्मेशन है इन्हें भी कैरी करती है और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी हेल्प करती है। जो फॉस्फोलिपिड है इसके लिपिड के अंदर आता है फॉस्फोलिपिड और होती है कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल होता है इट इज प्रेजेंट बिटवीन द फॉस्फोलिपिड, जो फॉस्फोलिपिड होते हैं इनके बीच में प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल, और जो कोलेस्ट्रॉल है ये इन्हें जो लिपिड की जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है इन्हें एक स्ट्रेंथ यानी इंटेग्रिटी इन्हें बांध के रखने का काम करता है। तो ये हो गया लिपिड। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो अराउंड 5% प्रेजेंट होते हैं, इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्लाइको प्रोटीन एक होता है ग्लाइको लिपिड्स। इन्हें समझिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये भी बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइको प्रोटीन यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट हो इन्हें हम बोलते हैं ग्लाइको प्रोटीन, क्योंकि ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोजन और कार्बोहाइड्रेट इसे डिनोट करते हैं। तो ग्लाइको प्रोटीन यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि प्रोटीन लेयर के ऊपर अटैच है इसे बोलते हैं ग्लाइको प्रोटीन। और कुछ होते हैं जो कि जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है यानी लिपिड्स के साथ में अटैच होते हैं इन्हें हम बोलते हैं ग्लाइको लिपिड्स, ये आपको समझ लेना है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज के अंदर होता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये नेगेटिव चार्ज के साथ में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये अपने पास में नेगेटिव जो चार्ज वाले सब्सटेंस है उन्हें नहीं आने देंगे, क्योंकि आपको पता है जो नेगेटिव ये भी नेगेटिव है और इसके पास में कोई नेगेटिव आएगा तो ये दूर जाएगा एक दूसरे से। और जो
प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी मिलके एक सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। और इसके बाद में जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर जो सबस्टांस है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेलेक्टिवली सेमी परमेबल लेयर होती है, यानी ये सेलेक्टिव सबस्टांस को ही अपने अंदर परमिट करती है। तो जो ये सेल मेम्ब्रेन है डियर, इसके अंदर कुछ आयन चैनल्स होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होती है जिनके थ्रू जो सबस्टांस है उनका ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्शन होता है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, और कुछ चैनल्स होते हैं जो सोडियम पोटेशियम चैनल है, इनका इनके थ्रू भी होता है। तो ये थी मेन कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जिसमें हमने बात किया अबाउट द प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। वापस से हम एक बार रिवाइज करते हैं कि प्रोटीन जो होती है, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। जो इंटीग्रल होती है वो अंदर की तरफ होती है, पेरिफेरल प्रोटीन होती है देयर आर आउटर प्रोटीन्स। लिपिड की बात करते हैं, अराउंड 40% होता है फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल होता है। फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है जिसमें जो हेड वाला पार्ट है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ होता है और ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर सोल्यूबल होता है, जबकि जो टेल वाला पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक होता है टुवर्ड साइटोप्लाज्म, यानी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ होता है, और ये हाइड्रोफोबिक होता है यानी वाटर इनसोल्यूबल होता है। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये इनके बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं और इसे इंटीग्रिटी एक ताकत प्रदान करते हैं जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है। इसी के साथ में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जो दोनों लेयर के जो हेड पोर्शन है उनसे अटैच होती है। इसके बाद उन्होंने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं यदि प्रोटीन के साथ में अटैच हो तो उन्हें बोलते हैं ग्लाइको प्रोटीन, और लिपिड के साथ में प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें बोलते हैं ग्लाइको लिपिड्स। तो ये थी अबाउट दी सेल मेम्ब्रेन, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फ्लूइड मोजेक मॉडल पढ़ा, और इसके बाद में हमने बात की अबाउट दी कंपोजिशन ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी सेल मेम्ब्रेन्स फंक्शन, की जो सेल मेम्ब्रेन है जिसके बारे में हमने बात की, जिसके हमने कंपोजिशन पढ़ी, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके सामने लिख रखे हैं, इनके बारे में हम वन बाय वन करके बात करेंगे। फर्स्ट वन इज द प्रोटेक्टिव फंक्शन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, मैंने बताया दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल एंड दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, और ये हो गया न्यूक्लियस, और इसके अंदर होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो ये इन सभी को प्रोटेक्ट करती है बाय आउटर कवरिंग। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये जो साइटोप्लाज्म है और जो सेल ऑर्गेनल्स है इन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सेकंड फंक्शन इज द सेलेक्टिव परमेबिलिटी, मैंने आपको बताया था कि दिस इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच अलाउ द सेलेक्टिव सब्सटेंस इनटू इट, यानी ये सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अपने अंदर अलाउ करती है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एल्कोहल है, ये इसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन अदर सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज हो गया, सुगर्स हो गई, ये इसके अंदर नहीं आ सकते हैं। इसके लिए फिर अलग से ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म वगैरह होती है जिनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये सेलेक्टिव परमेबिलिटी होती है, यानी कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही अपने अंदर आने की परमिशन देती है। थर्ड फंक्शन इज द एब्जॉर्प्टिव फंक्शन, एब्जॉर्प्टिव होता है अब्जॉर्प्शन करना अपने अंदर। तो जब हम खाना खाते हैं तो उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें सेल अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करने के बाद में उनका मेटाबॉलिज्म होता है और उससे बनती है एटीपी, जो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो एब्जॉर्प्टिव फंक्शन करती है। एक्सक्रेटिव फंक्शन, जब जो भी मेटाबोलाइट्स होते हैं और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन्हें ये अपने से बाहर कर देती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो ब्लड है उसके अंदर आपको पता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन आती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वापस से भेज देती है। तो इस प्रकार ये करती है एक्सचेंज ऑफ दी गैसेस। इसके बाद में आता है मेंटेन शेप एंड साइज ऑफ सेल, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेल का एक साइज और शेप मेंटेन करके रखती है बाई ए कवरिंग लेयर, क्योंकि यदि आपको पता है यदि नहीं होती तो जो साइटोप्लाज्म है ये और कहीं जाता, न्यूक्लियस और कहीं होता, और जो सेल मेम्ब्रेन है ये और कहीं होती,
सॉरी जो सेल ऑर्गेनल्स कहीं और होते हैं, यानी इन सभी को अपने अंदर बांध के रखती है और एक शेप और एक स्ट्रक्चर एक साइज प्रोवाइड करती है सेल की। तो दे आर दीज ऑल आर द बेसिक फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।